पटना में लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश का बड़ा बयान, 100 सीटों पर सिमट सकती है बीजेपी। सीएम नीतीश कुमार ने शिवरात्रि की दी शुभकामनाएं, हमारी संस्कृति को मजबूत करता है ये पर्व। पटना में तेज प्रताप पर चढ़ा शिव भक्ति का कुमार, प्रदेशवासियों को दी शिवरात्रि की शुभकामनाएं। देश भर में महापर्व की धूम, शिवालयों पर भारी संख्या में देखी भक्तों की भीड़। सहरसा के बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, दिवंगत एमएलए संजीव कुमार झा को किया गया याद। नमस्कार, देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बिहार की खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश बोले, विपक्ष को एक साथ मिलकर लड़ना होगा, अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ता है तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। हम तो चाहते हैं अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए, ताजा पाए हुए हैं, ताकि के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझौआ को अगर मान लीजिएगा, कई 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। और मेरा बच्चा नहीं मानिएगा तो क्या होगा, आप जानिए, आप लोग जानिए, बाकी सबका यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो उन लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं, तो कृपा करके कहेंगे कि कोई अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाशिवरात्रि के त्योहार की प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज लोग उत्साह एवं श्रद्धा के साथ भगवान शिव की उपासना करते हैं। इस पर्व की अपनी महत्ता और विशिष्टता है, ये पर्व हमारी संस्कृति को और मजबूत बनाता है। महाशिवरात्रि के त्योहार के दिन जहां एक तरफ आम लोगों पर शिव भक्ति का खुमार चढ़ा हुआ दिखाई दिया, तो वहीं शिव की भक्ति में राजनेता भी लीन दिखाई दे रहे हैं। जी हां, हमेशा अपने वेशभूषा को लेकर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव ने महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक किया और लोगों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। सपरिवाराय नमः, पयस्नानं समर्पयामि। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। देश भर में आज महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर शिव मंदिरों में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। और आपको बता दें कि सुबह से ही सभी शिवालयों में भक्तों की भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि बिहार शरीफ से पटेल नगर इलाके से शिव पार्वती विवाह कार्यक्रम के अवसर पर कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 351 महिलाओं ने सर पर कलश लेकर पूरे इलाके का भ्रमण किया। वहीं सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के कांठो स्थित बाबा मटेश्वर धाम मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर राजकीय महोत्सव को लेकर तैयारी की गई और शनिवार को शिव बारात और झांकी निकाली जाएगी।
बहुत अच्छा अनुभव रहा और ये एक वर्ष का नहीं दो वर्ष का अनुभव चुकी हो गया है। और यहाँ की जो आयोजन समिति है इतना भव्य आयोजन हर वर्ष यहाँ पर करती है और ज़्यादा आनंद हमें इसलिए भी आया क्योंकि हम अपने अयोध्या धाम से मिथिला में आए हैं, एक अटूट रिश्ता है, एक अलग ही कनेक्शन है यहाँ और वहाँ में। तो ये मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि राम जी की कथा को लेकर किशोरी जी की जन्मभूमि पर आना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कार्य योजना तो बहुत है, कार्यान्वित भी हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से देश और राज्य दो साल विश्व स्तरीय महामारी में चला गया, अब काम प्रारंभ हुआ है। पहले भी कपिलेश्वर महोत्सव पिछली बार से शुरू हुआ है और यहाँ के लोग और सांस्कृतिक उत्थान और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में हम लोग लगे हुए हैं और इसमें कुछ आध्यात्मिक जगह है। यहाँ अपने सोचने से ज़्यादा इस जगह की कृपा से ही बहुत कुछ होगा और हम लगे हुए हैं। बहुत जल्द राज्य और राष्ट्र के मानचित्र पर आएगा जगह। आज शिवरात्रि पूजा पटेल नगर शिव पार्वती मंदिर की ओर से भव्य कार्यक्रम रखा गया, उसमें 351 माता एवं बहनों द्वारा कलश उठाया गया। कलश यात्रा में भी हम सभी लोग चल रहे हैं और इसके बाद शाम में 6 बजे संध्या शिव विवाह का कार्यक्रम है। कल 19 तारीख को 24 घंटे का अखंड कीर्तन शुरू होगा और 20 को अखंड कीर्तन खत्म करके पूजा के बाद भव्य प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया है। मैं इस शिवरात्रि पूजा के शुभ अवसर पे भोले बाबा से यह मानता हूँ कि हमारा शहर अमन चैन सुख शांति से रहे और हम लोगों के ऊपर भोले बाबा का कृपा सदा बना रहे। इस बार सबसे हटकर बाबा की मंदिर की भव्यता को और निखार किया गया है, फूलों से, डलियों से, झालड़ों से बाबा को सजाया गया है और इस बार अद्भुत श्रृंगार किया गया है जो आज तक ऐसा श्रृंगार पूरे मंदिर में कभी नहीं हुआ था और दिनों दिन श्रृंगार होगा। बारात भी उसी तरह से अद्भुत इस बार बारात का दर्शन होगा। कुछ कलाकार जो हैं वो चेन्नई से आए हैं और वो अपना प्रदर्शन भी करेंगे। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिले भर के प्रत्येक शिवालयों में शिव भक्तों की सुबह से भीड़ देखने को मिली है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया और मंदिर परिसरों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहीं इस पावन पर्व के अवसर पर मसौड़ी थाना परिसर में भी महिला श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बुढ़वा मंदिर परिसर में अखंड कीर्तन का भी आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के त्योहार को मद्देनजर देखते हुए एक शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। ये बैठक लोगों की सहूलियत को देखते हुए रखी गई थी। बैठक की अध्यक्षता अर्जुन कुमार ने की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारा पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है, महिला पुलिस बल हर जगह तैनात है ताकि आम महिलाओं को जलाभिषेक करने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस दौरान समाज के समस्त गणमान्य मौजूद रहे। रामनगर की पावन धरती प्राचीन शिवालय नर्मदेश्वर महादेव काफ़ी प्राचीन है और लाखों लाख में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे। यह मंदिर जहाँ तक मेरा ज्ञान है, हम समझते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में ही नहीं बल्कि मैं बिहार तक भी कह सकता हूँ कि इतनी ऊंची शिवालय नर्मदेश्वर महादेव मंदिर मैंने तो नहीं देखा है। और आज मैं यह कह सकता हूँ, मैं अपनी उम्र के हिसाब से, कि पहली बार इस शिवालय का सजावट और व्यवस्था काफ़ी सुंदर दिख रहा है। से
सहरसा में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह और जिला उपाध्यक्ष शिव भूषण सिंह ने किया। ये श्रद्धांजलि सभा दिवंगत पूर्व विधायक संजीव कुमार झा के लिए रखी गई थी। इस दौरान सभी मौजूद नेतागणों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि दिवंगत संजीव कुमार झा की भरपाई कभी नहीं कोई कर पाएगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका, बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर भागलपुर में गांधी युवा मंच ने भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान मुख्यालय से प्रखंड विकास अधिकारी नदारद दिखे। गांधी युवा मंच के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने इसकी जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी को दी, जिसके बाद अनुमंडल अधिकारी ने धरना स्थल पर वीडियो को भेजा। मौके पर पहुंचे वीडियो ने युवा मंच के 11 सूत्रीय मांगों का पत्र उनसे लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी हर जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। हमारी समस्याओं का समाधान डीएम से वीडियो साथ तत्काल बात करके जो है जाके बातचीत पर्चे की बात है या फिर जाके ट्राइसाइकिल की बात है, पेंशन की बात है, राशन कार्ड की बात है, विभिन्न मुद्दों पर जाके वह जो है समाधान देंगे और जाके देखा कि सारे लोगों के बीच आकर वीडियो साहब ने अपने से कहा कि हम गए थे सेवनपुर, वहाँ जाके हमने देखा है, लेकिन वहाँ पे जो है सरकार का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि पहाड़ और पर्वत का दोहन नहीं होगा, तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। वहीं जाके वीडियो साहब के द्वारा जो इन विस्थापितों के लिए कोई जूस प्रसबन्ना में जमीन देखा गया है, क्वार किया गया है, लेकिन ये लोग जमीन के पक्ष में नहीं है, तो हम लोगों ने नहीं पहल किया है। उनसे कहा है कि जाके उस पहाड़ के नीचे जमीन तराई में जो है इनको स्थापित किया जाए, इन्हें आवास योजना दी जाए, ताकि यह भी समाज के मुख्य धारा से अंतिम व्यक्ति का जो गांधी का सपना है, गांधी का भारत है, गांधी के सपनों का भारत है, अंतिम व्यक्ति का विकास, तो इन दलित पीड़ित शोषित वंचितों को भी आवास योजना मिले और वह भी जो है हमारे समाज से मुख्य धारा से जुड़े और विकास को महसूस करे। आज हमारे जो सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो यह चरितार्थ। सुपौल के त्रिवेणीगंज क्षेत्र अंतर्गत बघेली और जादिया पंचायत के 2 व्यक्तियों ने स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन में धांधली के आरोप लगे हैं। आवेदक कर्ता का कहना है कि हमने स्वच्छता पर्यवेक्षक बहाली की गाइडलाइन का पालन किया, लेकिन सरकार ने सारी गाइडलाइंस को ताक पर रख कर अपने निजी लोगों को इसका फायदा दिया है। आवेदक कर्ता ने जिले के सभी बड़े अधिकारियों से स्वच्छता पर्यवेक्षक के लिए फिर से बहाली करने की मांग की है। ये मामला है सर, हम 2017 से बघेली पंचायत में स्वच्छताग्राही पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, अभी तक करते आ रहे हैं। उसमें मुखिया जी, डीसी सर और पंचायत सचिव की मिली भगत से ये सब मतलब गलत तरीका से उसमें पंचायत पर्यवेक्षक पोस्ट पर
बिना सर्टिफिकेट। आप स्वच्छता में स्वच्छता कर्मी में क्या मतलब कैंसी का अप्लाई किए थे सो बताइए। स्वच्छता पर्यवेक्षक में अप्लाई किया। पर्यवेक्षक में बघेली पंचायत में किए थे। त्रिवेणीगंज प्रखंड में है वो। अच्छा तो क्या मतलब उसमें क्या हुआ सो बताइए। उसमें जिला हमको नहीं किया गया जबकि हम अप्लाई किए 13 अगस्त को 15 अगस्त की आम सभा के तहत से मतलब स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया गया है जो कि हमको नहीं किया गया जिसमें दूसरे अर्थात किया गया। ये है कि जटिया पंचायत के मुखिया अनु अग्रवाल पति संजय अग्रवाल के द्वारा पंचायत स्वच्छता पर्यवेक्षक में घोर धांधली और अनियमितता बरती गई है जिसके लिए हमने समाधान यात्रा में भी आवेदन दिया है। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा में भी DM सुपौल और DDC सुपौल और प्रखंड विकास पदाधिकारी त्रिवेणीगंज प्रखंड समन्वयक त्रिवेणीगंज को हमने आवेदन के साथ सूचित किया। पटना के नगर बाढ़ में नगर परिषद के वार्ड नंबर 22 के पार्षद परमानंद सिन्हा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हैरानी की बात ये रही कि अपराधियों ने हत्या में इस्तेमाल किए गए पिस्तौल को मृतक के पास ही छोड़ दिया। फिलहाल थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। अभी तो देखे तो यहाँ देखिए रहे गोली मारा हुआ है। गोली मार के 7:45 के लगभग वहाँ दुर्गा स्थान के सामने चाय दुकान पर चाय पी है। हाँ सर। उसके बाद इधर आया है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कौन बोलवाया क्या हुआ तो छानबीन के बाद ही पता चला। बड़ी खबर मसौढ़ी से है। यहां दो अलग ट्रेन हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना पटना गया रेलखंड के पुनपुन स्टेशन की है जहां 2 व्यक्तियों की ट्रेन हादसे में जान चली गई। वहीं दूसरी घटना पटना गया रेलखंड की पोठई स्टेशन की है जहां 1 महिला की मौत ट्रेन से कटकर हो गई है। GRP पुलिस 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरे पिताजी बोले कि मसौरी होल्ट के पास जा रहे हैं कोर्ट के पास। इसी बीच में जाते हुए उनको ऐसा हुआ ग्रामीण क्षेत्र से हमको पता चला कि मेरे पिताजी गिर गए हैं ट्रेन से घटना ये हो चुका है। तो हम लोग को सूचित मिला उसके बाद हम लोग वहाँ पर गए। कल दिनांक 17/2023 को शाम के लगभग जो है ना स्टेशन के पास में दुर्घटना घटा है। उसमें 2 मृतक है। इसका उम्र एक लगभग करीब है 55 वर्ष का लगभग, एक है लगभग 71 वर्ष का। 2 में से एक का लगभग एक का पहचान हो चुका है और बाकी एक अज्ञात है उसका अभी तक पहचान नहीं हुआ है। और आज दिनांक 18/2023 को एक महिला जो है नदमा और पोठी स्टेशन के बीच में मतलब कि ट्रेन से गिर करके मृत्यु उसका हो गया है लेकिन अभी तक उसका पहचान नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए मतलब सभी तीनों डिलीवरी का मतलब कि टीम से भेजा जा रहा है। नालंदा के हिलसा अनुमंडल में लगातार हो रही लूट की घटनाओं को रोकने के लिए SP ने SIT का गठन किया था जिसमें SIT को बड़ी सफलता हाथ लगी है। SIT की टीम ने 3 अपराधियों को लूट के मोबाइल फोन और अवैध पिस्तल के साथ हिरासत में लिया है। बता दें कि हिलसा अनुमंडल में 3 दिन के अंदर 4 घटनाओं को अंजाम दिया गया है जिसको देखते हुए SIT का गठन किया गया था। हम लोगों ने इसको गहनता से इसको रीड करी उसके MO के आधार पर उनका होलिया के आधार पर सभी तरह के बादी जितने भी केस किया था उन लोगों से पूछताछ किया डिटेल्स में पूछताछ करने पर उनके द्वारा जो बताया गया प्लस हम लोग पास कुछ इनपुट्स थे उस सारा कुछ आधार पर हम लोगों ने एक लेवल पर आया कि उनका अच्छे से रेड हो और रेड होने के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस घटने में अभी तक कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बरामदगी के रूप में 5 मोबाइल है जिसमें से लूटा हुआ 2 मोबाइल है और साथ में 3 मोबाइल और भी है जिसके हम लोग जांच कर रहे हैं। बताया गया है कि उन्होंने भी कहीं से लूट का घटना किया है या फिर चोरी घटना किया है और वही मोबाइल है वो कुछ कागजात नहीं दिखाया नहीं उस पर कुछ बात किया है तो उस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। नालंदा के कई इलाकों में हो रही लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए SP ने टीमों का गठन किया था जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। राजगीर थानाध्यक्ष ने 4 लड़कों को 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 4100 रुपए नकद भी मिले हैं। पकड़े गए लड़कों ने बताया कि वो राहगीरों को अपना निशाना बनाते थे।
विगत दिनों में राजगीर अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई लूटपाट की घटना को देखते हुए नालंदा एसपी महोदय के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम के नेतृत्व मैं खुद कर रहा था और मेरे साथ राजगीर थानाध्यक्ष, सिलाव थानाध्यक्ष, पावापुरी थानाध्यक्ष और डीआईयू टीम के सदस्य शामिल थे, जिसमें हम लोगों ने 5 लूट की घटना का सफल उद्भेदन किया है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।